फ्रेंड्स, मैं हूं फरा, आपका स्वागत करती हूं चटपटा सफ़र में। आज हम बनाएंगे राजमा, जो रेड वाला राजमा होता है ना, वो जो कि सबको बहुत पसंद आता है। देखिए हम उसको किस तरह से बनाएंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें हम यूज़ करेंगे, ये सब हम साथ साथ वीडियो में आप देखते जाइए कि हम किस तरह से इसको बनाएंगे। देखिए आज कुछ ये राजमा हमने क्या किया था कि राजमा 2 से 3 कप राजमा लिया है हमने, 2 कप राजमा लिया है और उसको हमने रात से सोख करने के लिए रख दिया था, बीन कर अच्छे से मतलब साफ़ करके उसको धो करके और उसको रात भर भिगो दिया था। अब रात भर भिगोने के बाद हमने उसको कुकर में डालकर बॉईल करेंगे उसके अंदर, तो हमें इतना पानी डालना है सिर्फ उसके अंदर के 2 से 3 सीटी आ जाए और जो खड़े गर्म मसालों का टेस्ट आपको पसंद है वो उसके अंदर हम डालेंगे। जैसे मैंने डाला है काली मिर्च, लौंग और सिनेमन और तेज़पत्ता, इसमें हम इसको बॉईल कर लेंगे, कम से कम 3 सीटी लगाएंगे उसके अंदर। ये देखिए ये हमारी 3 सीटी लग चुकी है। उसके बाद हम इसको छान कर एक साइड रख लेंगे, जो हमारे राजमा गल जाएंगे क्योंकि हमने रात भर से सोख करे थे, तो कम से कम 3 सीटी में गल जाएंगे। देखिए ये अच्छे से बिल्कुल गल चुके हैं और आपको ज़्यादा गले हुए पसंद हो तो 4 सीटी लगाने, बट 3 में लगभग अच्छे से बिल्कुल गल चुके होंगे। अब हम उसके बाद हमने लिया है इसको बनाने के लिए प्याज, लहसुन, टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्च और जिंजर, अदरक भी लिया है हमने। 3 से 4 टमाटर की हम प्यूरी बनाएंगे। हरी मिर्च हमने बारीक बारीक काट के रख ली है, बघार के लिए हमने प्याज काट के रख ली है और ये जो बड़ी 3 से 4 मीडियम साइज़ की मेरे पास प्याज थी, छोटे छोटे साइज़ के आप मीडियम साइज़ की लें तो 2 या 3 ले सकते हैं। देखिए अब हम प्याज, लहसुन की कम से कम 15 से 20 कर लिया है और थोड़ा सा ये अदरक। अब हम इसका पेस्ट बना लेंगे, इसको पीस लेंगे मिक्सर के अंदर। ये देखिए इस तरीके से ये जिंजर गार्लिक पेस्ट और ऑनियन का पेस्ट हमने सब मिक्स करके पीस लिया है। उसके बाद हमने टमाटर को बारीक बारीक कट कर लिया है। अब हम टमाटर की भी प्यूरी बना लेंगे। देखिए हमने टमाटर को भी पीस लिया है, जो 3 से 4 टमाटर हमने लिए थे। अब हम एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे, कम से कम 2 बड़ा चम्मच। और देखिए हमने तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, काली मिर्च और लौंग हम इसके बघार में डालेंगे। अब इसके बाद हम एक तरफ राई डालेंगे, राई के बाद हम ज़ीरा डालेंगे, ज़ीरे के बाद हम आधा चम्मच अजवाइन डालेंगे बघार में, जिससे ये हमारे पाचन में अच्छा रहे। इसके बाद हमने ये बघार में प्याज डाल दिया है, देखिए इस तरीके से। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे प्याज को, जब तक लाइट गोल्डन ना हो जाए जब तक हमें इसे भूनना है। ये हमारी प्याज लगभग लाइट गोल्डन हो चुकी है। अब हम इसके अंदर हरी मिर्च डालेंगे, 3 से 4 हरी मिर्च हमने लिए बारीक कटी हुई। अब ये हमारी हरी मिर्च भी भुननी आई है, उसकी तेज़ी हमारे ऑयल में उतर चुकी है। अब हमने जो पेस्ट जो पीस के रखा था जिंजर गार्लिक और ऑनियन का, उसको हम इसके अंदर डालेंगे। अब इसको हम अच्छे से भूनेंगे, हमें कम से कम इसे 5 से 10 मिनट भूनना है ताकि ये बिल्कुल भून जाए और अपना ऑयल छोड़ दे। देखिए इस तरह से हमें कंटिन्यू चलाते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर में, तो ये जल्दी भून जाएगा। देखिए इस तरीके से हमारा ये मसाला पकने आया है। हमने जो आसपास बाउल में जिसमें रखा था उसमें लगा हुआ था जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सा पानी डालकर हमने मसाले के अंदर डाल दिया है। अब हम इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे ताकि हमारा मसाला चिपके ना, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि वो अब हम इसके अंदर सूखे मसाले डालेंगे। देखिए हमने मसाला बिल्कुल भुन चुका था, हमने सूखे मसालों में 1 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच धनिया पाउडर और 1.5 चम्मच हमने लाल मिर्च डाली है। थोड़ा सा स्पाइसी करेंगे राजमा, क्योंकि राजमा स्पाइसी थोड़ा अच्छा लगता है। 1 चम्मच नमक, हमने राजमा को बॉईल करने में भी नमक डाला है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हम कैसा नमक खाते हैं। आप जैसा नमक खाते हैं तो स्वाद अनुसार नमक डालिए, कम खाते हैं तो स्वाद अनुसार डालेंगे। देखिए
इस तरीके से हमारा पूरा मसाला भून के तैयार हो चुका है। अच्छे से सूखे मसाले भून गए थे, अब हमने इसके अंदर गरम मसाला डाला है 2 छोटे चम्मच, बिल्कुल छोटा वाला जो चम्मच आता है ना मसाले के डब्बे में जो अपन रखते हैं वो वाला। अब देखिए हमारा मसाला बिल्कुल लगभग कम्प्लीटली तैयार हो चुका है, सब भून चुका है, मसाले भी भून चुके हैं। उसके बाद हम टमाटो प्यूरी डालेंगे। टमाटो प्यूरी जो हमने टमाटर पीस कर रखा था उसकी प्यूरी, उसको ज़्यादा देर हमें नहीं पकाना है, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि टमाटर ज़्यादा पक जाता है तो वो उसका टेस्ट बदल जाता है। ये देखिए इस तरीके से हम इसको 5 मिनट के लिए ढककर रख देंगे ताकि अच्छे से पक जाए जो मसाले थे। ये देखिए हमारा टमाटर जो हमने पीस के रखा था उसका पेस्ट भी लगभग अच्छे से पक चुका है। अब उसके अंदर हम राजमा मिक्स करेंगे जो हमने पहले से बॉईल करके रखे थे, उस पानी छान कर रखा था उसका। ये देखिए अब हमारा राजमा तैयार है। अब हम थोड़ा सा इसको लिक्विड बनाएंगे तो उसके लिए थोड़ा सा पानी डालेंगे, हमने इसमें 1 कप पानी डाला है। अब हम इसको 5 मिनट के लिए दम होने के लिए छोड़ देंगे धीमी आंच पर। ये देखिए इस तरीके से हमारा राजमा बिल्कुल बनकर तैयार है, टेस्टी टेस्टी राजमा। और अब हम इसका गैस बंद कर देंगे। अब हम इसके अंदर लास्ट बट नॉट लीस्ट ये हमने इसके अंदर डाला है इंग्रेडिएंट, धनिया काट कर बारीक कटा हुआ धनिया। अब हम इसको सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। देखिए इस तरीके से ये हमारा गर्मा गर्म राजमा तैयार है। और देखिए हमने सर्विंग बाउल में निकाल लिया है, ये हमारा गर्मा गर्म टेस्टी सा राजमा तैयार है। अब आप इसे चाहें तो रोटी के साथ टेस्ट कर कर देखिए, पराठे के साथ या फिर राइस के साथ। वैसे ज़्यादातर बच्चों को राजमा राइस के साथ ज़्यादा पसंद आता है, या फिर लच्छा पराठा के साथ। आप भी इसे बनाकर देखिए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा है। इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।